हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक रेसिपी विद प्रीति। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल तड़का। चलिए शुरू करते हैं। दाल तड़का बनाने के लिए मैंने एक कुकर ले लिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच देसी घी और मैंने 1 कप ये मतलब जो अरहर की दाल होती है ना, वो कहीं कहीं इसको तुअर की दाल भी बोलते हैं, ये ले ली है। इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था, उससे अच्छा रहता है भिगो के। जो है एक तो उसका टेस्ट भी अलग आता है और बन भी जल्दी जाती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4, मतलब जितनी मैंने अरहर की दाल ली है उसका 1/4 हिस्सा मैंने ली है मूँग की धुली दाल। इससे क्या रहता है, एक तो जब हम ये दाल बनाते हैं ना तो अरहर की दाल खाली बनाते हैं तो वो पानी छोड़ती है, तो वो अलग अलग रहता है। कभी कभी इसे डाल देते हैं तो अच्छे से मिक्स भी हो जाती है। दूसरा क्या रहता है, अरहर की दाल थोड़ी बादी रहती है, अगर हम मूंग की दाल डाल देते हैं ना उसमें तो वो भी ख़त्म हो जाता है। अब मैं इसमें लेती हूँ 1.5 गिलास पानी, 1 गिलास और आधा गिलास और इतना। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। अब हम इसमें 1 सीटी लगा लेते हैं। अब हमारी जब तक सीटी निकलती है उसमें 1 सीटी लग गई है, तब तक हम एक तड़का तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच जीरा, इसको अच्छे से चटका लेते हैं पहले, और साथ में थोड़ी सी हींग, ये अच्छे से भुन जाए जीरा। हमारा जीरा अच्छे से भुन गया है। अब मैंने 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 लहसुन की कली, ये मैंने इस तरह से मोटी मोटी दरदरी सी कर ली है, ये डाल देते हैं। अब इसको भी इसके साथ ही अच्छे से भून लेते हैं। और साथ में मैंने 1/2 प्याज है, ये बारीक काट लिया है, इसको भी डाल देते हैं। अब ये सब चीज़ें अच्छे से भुन जाए। अब हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 टमाटर, बड़ा टमाटर था वो मैंने बारीक बारीक काट लिया है इस तरह से। अब इसको इस पर डाल देते हैं और इसके साथ ही हम कुछ इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें मैं डाल देती हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि हमने कुछ दाल में भी डाला है तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि दाल में भी हमारा थोड़ा नमक है। अब हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। ये टमाटर नमक सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से जल्दी गल जाए। और दाल तड़का क्या, बिल्कुल ये बिल्कुल होटल स्टाइल बनेगी, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें इस तरह से। अब इसको हम मीडियम आंच पे अच्छे से भून लेते हैं। हमारा मसाला अच्छे से देखिए भून गया है। अब हम इसमें जो हमने दाल उबाली थी अब ये भी डाल देते हैं इसमें। और ये देखिए मूंग की दाल डालने से क्या है, ये अच्छे से मिक्स हो गई है। नहीं तो कभी कभी क्या रहता है, दाल जो अरहर की रहती है तो वो अलग अलग रहती है, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको 1 मिनट इसी तरह से पका लेते हैं और इसका जो फाइनल तड़का है ना वो तैयार कर लेते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये देखिए अच्छे से। और इतना थोड़ा दाना इसका रहना भी चाहिए, दिखनी भी चाहिए कि दाल है, नहीं तो ज़्यादा घुट जाएगी तो फिर वो लगेगा कि सूप बना हुआ है। अब हम इसका एक फाइनल तड़का तैयार कर लेते हैं। अब हम एक फाइनल तड़के के लिए ये मैंने एक छोटा पैन ले लिया, इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी, इसको हम पिघला लेते हैं अच्छे से, और साथ में 2 से 3 साबुत लाल मिर्च, इसको भी इसके साथ ही भून लेते हैं, और थोड़ी सी हींग, जरा सा जीरा, इसको इस तरह से भून लेते हैं। और इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे क्या है इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब
ही हम अपना तड़का इस दाल में डाल देते हैं। अब हमारी दाल बनके तैयार है, ये देखिए कितनी अच्छी। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और आधा चम्मच गरम मसाला और हमारी दाल तड़का बनके तैयार है। अब हमारी दाल बनके तैयार है, ये देखिए मैंने इसमें तड़का डाल दिया तो ये कितनी अच्छी देखने में लग रही है। अब हम इसको एक कटोरे में सर्व कर लेते हैं। अब हमारी दाल तड़का बनके तैयार है, एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।